आए ठंडा जाम के बहुत ही मशहूर कुल्फ़ी वाले हैं, अकबर पठान कुल्फ़ी वाले, वीआईपी कुल्फ़ी वाले, तो उनके पास आए आज। उनसे इस कुल्फ़ी का राज पूछते हैं जो पूरे ठंडा जाम में, बल्कि क्या जगह जगह मशहूर है इनकी कुल्फ़ी। अकबर पठान के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कुल्फ़ी का राज। अकबर भाई, आप कब से कुल्फ़ी लगा रहे हैं? मेरे को 35 साल हो गए कुल्फ़ी बेचते हुए। 35 साल हो गए? जी जी। तो आपकी कुल्फ़ी इतनी मशहूर क्यों है? ये है कि ईमानदारी का काम होना चाहिए, दूध पेवर होना चाहिए, अपने हाथ से चीज़ बनानी चाहिए, माना खोया वगैरह जो भी होता है। अदी घने वारी डे। तो आप क्या क्या डालते हैं? सरकार, ये दूध लेता हूँ मैं रहमत स्वीट वाले से, उनका दूध अच्छा है, और अपना खोया बनाता हूँ। अच्छा जी। तो ये कब से शुरू किया आपने? मेरे को वैसे तो मुझे 35 साल हो गए ये काम करते हुए। हाँ, 35 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ मेरे। हाँ। तो ये कितने से शुरू की थी आपने? जी सर, मैं 10 पैसे की कुल्फ़ी बेचता था। अच्छा। 10 पैसे, 4 आने, 8 आने। अच्छा जी। आज मैं 30 रुपये की, 20 रुपये की कुल्फ़ी बेच रहा हूँ। 20 रुपये की, 20 रुपये की, 30 की और 20। बच्चे वगैरह सभी इनसे कुल्फ़ी लेने आते हैं और खाते हैं इनकी बहुत ही प्यारी कुल्फी। अभी मौसम ठंडा है इसलिए काम थोड़ा हल्का चल रहा है। गर्मी हो जाती है तो फिर ये है कि ये बच्चे मुझे इतना परेशान कर देते हैं, कपड़े खींचते हैं मेरे, मेरे को दो, मेरे को दो। तो अल्लाह का शुक्र है कि माल पूरा नहीं हो पाता, अल्लाह का बड़ा करम है। भाई, आपकी कुल्फ़ी का जायका इतना अच्छा क्यों? भाई जायका ये है कि ईमानदारी की बात होती है। मेरी जैसे कुल्फ़ी टंडो जाम में कोई भी नहीं बनाता। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कुल्फ़ी जो है मशहूर है टंडो जाम के अंदर। चलता बंदा भी रुक जाता है और एक दफ़ा खाता है तो आधे रास्ते से वापस आता है कि एक और दे दो, क्योंकि खालिस चीज़ है, दूध खालिस होना चाहिए। अब मिलावट वाली चीज़ है, एक बंदे ने एक दफ़ा खा ली, दोबारा नहीं आएगा वो। लेकिन हमें थोड़ी सी गवर्नमेंट से ये शिकायत है कि मेरे को 35 साल हो गए ये काम करते हुए, वो हम पे ये ध्यान नहीं देते, बल्कि बल्दिया वाले आते हैं तो हमें हटाने की कोशिश की जाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बेरोज़गार हैं जब ये ठेला लगा रहे हैं ना, अगर हमारी कोई जॉब होती तो हम ठेला थोड़ी लगाएंगे। रुपये मेरे लड़के हैं वो भी मजदूरी कर रहे हैं, तगारी मजदूरी। गवर्नमेंट जो है ना वो मतलब गरीब की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, सरमाएदार को और सरमाएदार करे जा रही है और गरीब और दबता जा रहा है। कल तेल 700 रुपये पाओ, आज 120 रुपये, एक रात में कैसे बढ़ गया? 20 रुपये एक पाव पे बढ़े, माना 80 रुपये एक किलो पे कैसे बढ़ गए, कोई है पूछने वाला? मजदूरी हमारी वही। अभी पेट्रोल रोज़ चढ़ रहा है, जब पेट्रोल चढ़ेगा हर चीज़ महंगी होगी, तो पेट्रोल को तो कंट्रोल करें ना गवर्नमेंट। अब हम अगर दूध वाला बाइक पर दूध लेकर आता है, वो कहता है भाई दूध महंगा होगा। क्यों होगा? बोला भाई पेट्रोल महंगा हो गया, क्योंकि उनके जो भैंसों का जो सामान आता है खाने पीने का, चारा, खड़, दाना वगैरह, वो गाड़ियों में आता है। वो कहते हैं भाई गाड़ी वाले का किराया ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ें महंगी हो रही है। गवर्नमेंट तेल को तो काबू करे, जब पेट्रोल काबू हो गया, डीजल काबू हो जाएगा अपने रेट पे, तो ये चीज़ें कुछ आ जाएंगी नीचे, नहीं तो ये तो चढ़ती रहेगी। गरीब आदमी भले भूख मरता रहे। आपको कैसी लगती है कुल्फी? अंकल की अच्छी लगती है कुल्फी, मैं 2-3 साल से खा रहा हूँ। अच्छा। यहाँ पर स्कूल से आते हैं। अच्छा। है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम है भाई कुल्फी में बहुत ज़्यादा, बचपन से खा रहा हूँ अकबर भाई के हाथ की कुल्फी, और इससे लजीज मैंने पूरे पाकिस्तान में, पूरे हैदराबाद में, पूरे टंडो जाम में कोई भी ऐसी कुल्फी नहीं देखी जितना इसके अंदर टेस्ट है, जायका है, खोए जैसा फ्लेवर आ रहा है, ओरिजिनल दूध का, मावे जैसा दूध बना हुआ है, बेहतरीन कुल्फी है ये। फिर मिलते हैं दूसरी एक और फूड की तलाश में निकलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।